मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए अब कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी भी बेचैन है। अखिलेश यादव को मायावती के गिरगिट वाले बयान से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सपना मायावती को पीएम फेस बनाने की वो देख रहे हैं और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर मायावती के लिए अखिलेश का अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो। यूपी की सियासत में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए मायावती को इंडी गठबंधन में शामिल करना अखिलेश के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इसीलिए मायावती पर बार बार हमला करने वाले अखिलेश के सुर बदल चुके हैं। जो कभी बीएसपी से दूरी बना रहे थे वो मायावती को पीएम फेस बनाना चाहते हैं और उस बयान से भी किनारा कर रहे हैं जिसमें मायावती ने अखिलेश को गिरगिट बताया था। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। देखिए हम तो उन्हें, अगर आपको याद हो, सपा और बसपा के गठबंधन की सबसे पहली शर्त यही थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी। हम तो इसलिए वोट दे रहे थे उस गठबंधन में कि प्रधानमंत्री बने। और आज अगर ये भाषा इस्तेमाल हो रही है जो रंग बदलने वाली बात, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनके ऊपर दबाव है या दबाव होगा जिसके कारण उन्हें इस तरह की बात करनी पड़ रही है। आपसे कहा कि गठबंधन में पहली शर्त यही थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस पक्ष में जो पार्टी रही हो वो पार्टी क्यों किसी का अपमान करेगी? अगर हमारा सम्मान देना उन्हें खराब लग रहा है तो मैं क्या करूं उसके लिए। अचानक मायावती के लिए हृदय परिवर्तन उस समीकरण के लिए है जिससे 60% वोट बैंक को जोड़ा जा सके, क्योंकि जब जब बीएसपी अकेले मैदान में उतरी तब तब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा हुआ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा मुखिया मायावती के बीच में एक बार फिर से सियासी जबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ अखिलेश यादव जहां मायावती को प्रधानमंत्री तक बनाए जाने की बात कहते हैं, वहीं पर मायावती उनको गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला कहती हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में जो सबसे अहम और ख़ास है कि अखिलेश यादव अभी भी मायावती को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त रुख नहीं दिखा रहे हैं। अखिलेश और मायावती के बीच इसी खींचतान पर अब बीजेपी भी चुटकी ले रही है। केशव मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव को बसपा प्रमुख बहन मायावती जी ने गिरगिट बताया है। वैसे तो सपा का असली चेहरा गुंडागर्दी, अपराध और भ्रष्टाचार का है, जो सपा के समाप्त होने के बाद ही समाप्त होगा। यानी जिस रणनीति के तहत अखिलेश मायावती के लिए नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं उस पर अब बीजेपी की भी नजर है। अखिलेश यादव मौका परस्ती की पराकाष्ठा कर रहे हैं। कल तक वो सुश्री मायावती के चरण पखार रहे थे, अब जो है सुश्री मायावती के विरोध में बातें कर रहे हैं। ये वही है उनका खानदानी रोग कि सत्ता के लिए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो किसी जमाने में सुश्री मायावती और काशीराम के जो है सारी बलाएं लेते थे और जब वो सत्ता से बाहर जाने लगे तो इन्हीं मायावती का चीरहरण करवा कर उनकी हत्या का प्रयास कर दिया। दरअसल मायावती से अखिलेश की नजदीकी के मायने समझे तो 2014 में मायावती अकेले चुनाव लड़ी। इस दौरान बीजेपी को सिर्फ यूपी की 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। वही जब 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती सपा के साथ गठबंधन में लड़ी तो बीजेपी को 80 सीटों में से 16 सीटों पर हार मिली थी। और यही वजह है कि बीजेपी के 80 वाले टारगेट को रोकने के लिए अब इंडी गठबंधन की कोशिश मायावती को साथ लाने की है, जिसमें कांग्रेस पहले ही दिली इच्छा जाहिर कर चुकी है। तो अब अखिलेश यादव भी मायावती को पीएम फेस बनाकर साथ लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यार रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।